अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं यार। हवावे मिड रेंज सेगमेंट के अंदर वापस से गेम के अंदर आने लगा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपनी एक नई डिवाइस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द इसी महीने के अंदर लॉन्च करने वाला है, हवावे नोवा 7i। ये डिवाइस बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पेसिफिकेशन इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि मई के एंड तक जो है वेट कर लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी जो है वो डिवाइस बाय करने से पहले, क्योंकि हवावे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डिवाइस लेके आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी तो बात करें हवावे नोवा 7i की, तो इस फोन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हमें देखने को मिल रहा है वो है गूगल सर्विसेज। उसके अलावा फोन जो है वो बहुत ही कमाल के जो है हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बात करें इसके डिजाइन के हवाले से, तो फोन की फ्रंट के ऊपर जो है हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ जो है वो ग्लास देखने को मिलेगा, बैक के ऊपर हमें प्लास्टिक देखने को मिलेगी, जबकि फोन का जो फ्रेम है वो भी हमें प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें फोन की, तो फोन जो है वो काफी प्रीमियम लुकिंग जो है वो दिखता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो राइट साइड के ऊपर जो है हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी की सपोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें फोन के डिजाइन के हवाले से, तो फोन का डिजाइन जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का निकल के आता है, काफी कॉम्पैक्ट जो है वो डिजाइन है। हाथ के अंदर जो इसकी फील है वो काफी जबरदस्त निकल के आएगी, क्योंकि 6.4 इंच की है जो है इसके अंदर स्क्रीन दी गई है, जो कि एक आइडियल स्क्रीन साइज है। बात करें अगर इस फोन के डिस्प्ले के हवाले से, तो IPS का 6.4 इंच के साथ हमें जो है इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि हमें फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के हवाले से बात करें, तो ये फोन जो है 83.5% जो है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो प्रोवाइड करता है। ज्यादा जो है अच्छी बॉडी रेशियो तो नहीं देखने को मिल रही है हमें, जो है वो बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, चिन भी इस फोन की देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो है ये फोन काफी ठीक ठाक है। स्क्रीन साइज भी इसका जो है वो आइडियल स्क्रीन साइज है। हाथ के अंदर जो ग्रिप है इस फोन की बहुत ही जबरदस्त निकल के आती है। उसके अलावा बात करें इस फोन की अगर पिक्सल डेंसिटी के हवाले से, तो 398 जो है वो इस फोन की पिक्सल डेंसिटी निकल के आती है, जो कि इस बजट रेंज के अंदर काफी अच्छी है। बात कर लें अगर इस फोन की बैटरी के हवाले से, तो इस फोन के अंदर 4200 mAh की बैटरी यूज की गई है, लेकिन एक जो कमाल की चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी वो 40 W का फास्ट चार्जर होगा, जो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी आपका जो डिवाइस है वो 30 मिनट के अंदर कुछ 70% तक ये फोन जो है वो चार्ज कर देगा, जो बहुत ही जबरदस्त एक चीज होने वाली है। उसके अलावा इसके अंदर जो है हमें रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, यानी ये फोन जो है आपका पावर बैंक का काम भी कर देगा। बात कर ले अगर नोवा 7i के इंटरनल के हवाले से, तो इंटरनल के मामले में भी ये फोन जो है हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। 7nm के साथ हमें 810 का जो है वो किरन का प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा। जीपीयू की बात करें तो मालिका G52 का जीपीयू देखने को मिलेगा, जो कि जबरदस्त किस्म की हमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा बात करें इसके अंतुतु स्कोर की, तो इसके अंदर हमें 310,000 के पास जो है वो बहुत मैसिव किस्म का जो है वो इसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है। इस प्राइस रेंज के अंदर जो है मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई डिवाइस ऐसी है जो इस किस्म का जो है वो अंतुतु स्कोर हमें प्रोवाइड करी, 3 लाख से ऊपर का स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर रही होगी। उसके अलावा बात करें अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 10 का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर हमें जो है वो गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेगी। आपको थर्ड पार्टी जो है, या फिर आपको हवावे का अपना जो है वो प्ले स्टोर यूज करना पड़ेगा, आपको थर्ड पार्टी से जो है वो एप्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन गूगल की सर्विसेज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। बात करें इसकी रैम और स्टोरेज के हवाले से, तो हमें इसके अंदर जो है वो 8GB प्लस 128GB का वेरियंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, और ये जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 की स्टोरेज होगी, यानी काफी अच्छी स्पीड हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जी तो बात कर लेते हैं नोवा 7i के कैमराज के हवाले से, तो इसके फ्रंट के ऊपर बात करें तो हमें 16 MP का जो है वो सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जो कि F2.0 की सपोर्ट के साथ आएगा, यानी इतनी अच्छी जो है हमें लो लाइट के अंदर इसकी पिक्चर्स देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल बात करें फ्रंट कैमरा के हवाले से, तो इसका फ्रंट कैमरा के जो पिक्चर्स हैं वो काफी ठीक ठाक देखने को मिलती हैं, जबकि बैक के ऊपर बात करें तो इसका हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि 48 MP का कैमरा होगा जो प्राइमरी इसका कैमरा है। उसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, जबकि 2 MP का मैक्रो और डेप्थ सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइमरी कैमरा की, तो वो जो है वो 1.8 के अपर्चर के साथ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी लो लाइट के अंदर आपको जो है वो अच्छी खासी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो बाकी अगर बात करें फ्रंट और बैक के ऊपर, आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, 4K की सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही। उसके अलावा जो बाकी स्लो मोशन है, HDR वगैरह, इस तरह के सारे फीचर जो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा के हवाले से बात करें, तो ओवरऑल कैमरा ठीक ठाक है, जिस तरह के हमें बाकी फोन के अंदर कैमरा देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह का कैमरा हमें इस बजट रेंज के अंदर इस मोबाइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लास्ट के अंदर बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के हवाले से, तो ये फोन जो है हमें पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, यानी इसका जो स्टॉक है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल हो गया है, बहुत ही जल्दी जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा बात करें तो ये फोन जो है मई के महीने के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा। उसके अलावा इसकी प्राइस के हवाले से बात कर लें तो इसकी प्राइस जो है वो जो निकल के आ रही है मेरे ख्याल से वो तकरीबन 45,000 के आसपास जो है इस प्राइस निकल के आएगी हवावे की इस डिवाइस की। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है और सारी प्राइसेस जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी ओवर प्राइस जा रही हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि ये हवावे जो है ये डिवाइस भी 50,000 के आसपास जो है वो लॉन्च करेगा। उसके अलावा बात करें इस फोन की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से, तो दो जो है वो मेन इसके हाईलाइटिंग फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी हमें इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निकल के आ रहा है, आपको बहुत ही कमाल की जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा 40 वाट का जो फास्ट चार्जर है इसके साथ हमें देखने को मिल रहा है, वो एक जो है वो आउट क्लास फीचर है। दो फीचर जो है वो हमें इस फोन के अंदर जो मेन सेलिंग पॉइंट जो है वो इस फोन का दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट इस फोन का निकल के आ रहा है वो इसका जो है वो गूगल प्ले सर्विसेज है। इस फोन के अंदर हमें गूगल प्ले की सर्विसेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, आपको हवावे के अपने ऐप स्टोर के जरिए जो है वो ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी या फिर जो आपको थर्ड पार्टी से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिलायबल होंगी। उसके अलावा ओवरऑल फोन की बात करें तो ओवरऑल का फोन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है और इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक गूगल प्ले सर्विसेज की कमी है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।